दोस्तों गैंगस्टर गर्लफ्रेंड और ग्लैमर का रिश्ता पुराना है। अक्सर देखा जाता है कि जहां गैंगस्टर होता है वहां गर्लफ्रेंड और ग्लैमर भी होता है। गैंगस्टर को चाहिए पावर, पैसा और शोहरत। जब गैंगस्टर का जिक्र होता है तब उसकी प्रेम कहानी या गर्लफ्रेंड भी जरूर सुर्खियों में आ जाती है। दोस्तों कुछ कहानियां ऐसी भी है जब गर्लफ्रेंड की वजह से कोई शख्स अपराध की दुनिया में कदम रखता है और फिर गैंगस्टर बन जाता है। दोस्तों ऐसी कुछ गैंगस्टर की कहानियां हम आपको बताने जा रहे हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से सुर्खियों में रहे या गर्लफ्रेंड की वजह से जिनकी मौत हो गई। दोस्तों इसमें पहला नंबर पे आता है गैंगस्टर संदीप गांडोली। हरियाणा का नामी गैंगस्टर संदीप गांडोली फरवरी 2016 में एक एनकाउंटर में मारा गया था। गुरुग्राम पुलिस गैंगस्टर का पीछा करते हुए मुंबई के अंधेरी स्थित होटल में पहुंची। वहां संदीप होटल के कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड दिव्या के साथ था। उसने आत्मसमर्पण करने से मना किया तो उस पर गोली चला दी गई। आरोप है कि गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड दिव्या ने पुलिस के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। उस तथाकथित एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड दिव्या आहूजा, उसकी माँ और 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तब दिव्या एक मॉडल थी और उसकी उम्र 20 साल की थी। 7 साल तक जेल में रहने के बाद जून 2023 में बॉम्बे कोर्ट ने जमानत दे दी। दोस्तों 2 जनवरी 2024 की रात गुरुग्राम के एक होटल में दिव्या पाहूजा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कथित तौर पर 5 लोग दिव्या पाहूजा को होटल में ले गए और सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्तों सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं और अभी तक मॉडल का शव भी पुलिस को बरामद नहीं हो सका है। हत्या की जांच गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। दोस्तों दूसरा ऐसा मामला है कि इसमें गर्लफ्रेंड माफिया बन जाती है। दोस्तों एक लड़की काजल झा कुछ साल पहले नौकरी की तलाश में दिल्ली पहुंची थी। दिल्ली में एक दिन उसकी मुलाकात रविंद्र नागर उर्फ रवि काना नाम के शख्स से होती है। रविंद्र नागर का रबड़ और स्क्रैप का कारोबार होता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और मोहब्बत हो जाती है। लोग काजल झा को रवि काना की गर्लफ्रेंड के तौर पर जानने लग जाते हैं। रविंद्र नागर रबड़ और स्क्रैप का कारोबार करते करते गैर कानूनी धंधे भी करने लगता है और अपना गैंग बना लेता है। रविंद्र नागर गैंगस्टर रवि काना बन जाता है। पुलिस की वांटेड की लिस्ट में रवि काना का नाम जुड़ जाता है। धीरे धीरे गर्लफ्रेंड काजल झा भी इस गैर कानूनी धंधे में शामिल हो जाती है। काजल सारी बेनामी लेन देन और संपत्तियों का हिसाब किताब संभालने लगती है। उसे दिल्ली NCR का लेडी डॉन भी कहा जाता है। दोस्तों हाल ही में नोएडा पुलिस ने साउथ दिल्ली के पॉश एरिया में काजल झा के 100 करोड़ रुपए का 3 मंजिला बंगला सील किया है। बताया जा रहा है कि ये बंगला बॉयफ्रेंड और गैंगस्टर रवि काना ने काजल को गिफ्ट में दिया था। आज काजल गैंग की अहम सदस्य है। दोस्तों इसमें तीसरे नंबर पर आता है अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह लॉरेंस बिश्नोई। दोस्तों कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई आज अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह है। पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाले की हत्या का आरोपी है लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब में तरन तारण में जेल के अंदर जब भगवानपुरिया के गुर्गों की हत्या भी लॉरेंस के कहने पर हुई थी। दोस्तों क्या आपको पता है कि कॉलेज के दिनों में अपनी गर्लफ्रेंड को खोने के बाद ही लॉरेंस एक साधारण लड़के से गैंगस्टर बना। उसकी लव स्टोरी काफी चर्चा में रहती है। लॉरेंस ने पंजाब के फाजिलका आबोहर में एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की थी। वहाँ उसकी एक लड़की से अच्छी दोस्ती हुई, फिर उससे प्यार हो गया। दोनों ने चंडीगढ़ में 12वीं क्लास तक साथ पढ़ाई की। साल 2008 में लॉरेंस ने चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां उसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से एक संगठन बनाया और अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। लॉरेंस चुनाव में हार गया। छात्र संघ का चुनाव हारने के बाद लॉरेंस की विरोधी पक्ष से तनातनी बढ़ती चली गई। धीरे धीरे ये तनातनी गहरी दुश्मनी में बदल गई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि 2011 में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और फायरिंग करने लगे। यहाँ से लॉरेंस की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक विरोधी पक्ष ने बदला लेने के लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को निशाना बनाया और साजिश के तहत हत्या कर दी। लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया और बचने के लिए हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश की। दोस्तों लॉरेंस को जब अपनी गर्लफ्रेंड के कातिलों का पता चला वहीं से उसने जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। सबसे पहले प्रेमिका को दर्दनाक मौत देने वाले विरोधियों से बदला लेने की ठान ली। इसके बाद देखते ही देखते लॉरेंस गैंगस्टर बन गया। दोस्तों रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, जमीन कब्जा और हत्या करना लॉरेंस के लिए आम बात हो गया। लॉरेंस की लव स्टोरी का वहीं एंड हो गया, मगर इस वारदात ने उसे अपराध की खूंखार दुनिया की ओर धकेल दिया। दोस्तों अगर आपको इस तरह की ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम 2000 सब्सक्राइबर के बेहद करीब हैं।